हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक्स। मैं हूं गौरव और आपके लिए लेके आया हूं एक पजल, जो कि SBI PO क्लर्क या LIC EO जो कि आने वाली वैकेंसी है, या RRB हो, IBPS की कोई भी एग्जाम हो, प्री लेवल के क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पे लाइव, बताऊंगा कि इसके क्या अप्रोच हो सकते हैं, सही अप्रोच। आप इसको सबसे पहले खुद बनाने का कोशिश करना, मेरे पास स्टैंड नहीं है तो इसीलिए मैं हाथ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे माफ करना, और इस वीडियो में बताना कि आपको इसका जो पजल का मेरे बनाने का स्टाइल है वो सही है या नहीं है। आप मुझे सजेशन देना कि सही है गलत मैं बना रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करना, खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर आप आंसर देखना। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। 7 पर्सन AE AE IOU BC सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, मीन्स क्या है ये नॉर्थ फेसिंग का पजल है, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग का पजल है। तो आपको जब भी स्ट्रेट लाइन की पजल है आप दो कंडीशन हमेशा ले लेना, ठीक है। आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। 7 पर्सन ले ले, 7 पर्सन फेसिंग नॉर्थ है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्थ फेसिंग है। सब में आप चिन्ह लगा सकते हैं आपके हिसाब से, आपको एग्जाम में क्या समझ में आ रही है, ठीक है। अगला लाइन पढ़ते हैं, फेसिंग नॉर्थ हो गया, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जैसे कि आपको पता होगा कि ये लिखा जाता है एक लाइन पे, यू सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ये है लेफ्ट एंड, ये है राइट एंड, यू सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यू सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, फर्स्ट सेकेंड, इसको काउंट करना, जरूर जरूर काउंट करना, वरना गलती हो जाती है बहुत से टाइम में। अगला क्या क्वेश्चन देखिए, अगला लाइन क्या है, सी हु नॉट नेवर ऑफ आई और ए, कहीं बैठा सकते हैं यहाँ पे, नहीं बैठा सकते हैं तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे कि सी हु नॉट नेवर ऑफ आई और ए, ऐसे लिख सकते हैं, आई या ए के सामने नहीं बैठता है, ठीक है, इसको हम लोग रख लिए ऐसे। सी यहां पे देखते हैं, सी हु नॉट नेवर ऑफ आई और ए हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को यहां नोट कर ले, ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में है ए हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो इस कंडीशन को हम लोग ऐसे रखते हैं क्योंकि यहां पे हम लोग पुटने, ऐसे आप लिखते जाना नहीं तो फंस सकते हो आगे। यू ए हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु इज एन इमीडिएट नेवर ऑफ ए सी, यहां देखिए दिया हुआ है ओ के इमीडिएट नेवर में सी है, तो सी कहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। आप नीचे से अलग से भी कंडीशन करके लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखो तो ही बेहतर है, क्योंकि जितना कंडीशन छोटा होगा उतना आपको समझ में ज्यादा आएगी जब आप इसको पुट करेंगे वहां पे, ठीक है। हु इज एन इमीडिएट नेवर ऑफ सी, यहां तक हो गया। यू सीट बिटवीन ओ एंड ई, यू जो है ओ एंड ई के बीच में बैठा हुआ है, यू किसके बीच में बैठा हुआ है, ओ और ई, इसीलिए मैंने दो कंडीशन लिया था। अब यहां पे ई ले लो और ओ ले लो, ठीक है। अब देखिए ओ एंड ई हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, देखिए तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई बोल रहा है, क्या यहां पे है, ई हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। देखिए आई का इमीडिएट लेफ्ट में हो सकता है, आई का इमीडिएट लेफ्ट कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, लेफ्ट इस साइड है, यहां पे होगा क्या, यहां तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये कंडीशन नहीं होगी। आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा, हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ये लाइन क्रॉस हो जाए, इसीलिए मैंने दो लाइन लिया कि एक क्रॉस हो जाएगी और एक सही हो जाएगी। नाइदर ई नॉर बी सीट एनी एंड ऑफ द लाइन, नाइदर, देखिए यहां क्या अगला है, नाइदर ई नॉर बी सीट एनी एंड ऑफ द लाइन, मींस ई और बी एंड पे नहीं बैठेगा, मींस ई तो मैं बैठा चुका हूं पहले और बी यहां पे नहीं बैठेगा, दैट मींस क्या है, बी एक या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए और एक कंडीशन जो हम लोगों ने लिखा है, ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में ए है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट में, ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में ए बैठा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, बैठा दिए। अब क्या बचा, देखिए और एक इस कंडीशन में था ओ के इमीडिएट नेबर में सी है, तो ओ के इमीडिएट नेबर में क्या होगा, सी बैठा देंगे, बैठ गया सारा, तो जो बी है बी ऑलरेडी यहां हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। जो भी नए बच्चे बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप पजल की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैं इस चैनल पर लेके आऊंगा पजल का,
और अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से पजल सॉल्व किया जाता है, और बैंकिंग का जो भी रिलेटेड मैथ्स हो या रीजनिंग हो मैं उसका पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना और जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ देखिए कि देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन आई एंड यू, देखिए यहाँ पे आ गया खुद ब खुद आई एंड यू, बट द पर्सन नाइदर सी और बी, सी या बी नहीं होना चाहिए बीच में, वही बोल रहा, बट दैट पर्सन देयर इज ओनली वन पर्सन, जो वन पर्सन है वो बी नहीं होना चाहिए, वो यही बोल रहा है, सी और बी नहीं होना चाहिए, तो सी और बी इस साइड रह गया। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बैंक की, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है आने वाले दिन में, तो आप इस फॉर्म को फिल करना। LIC की फॉर्म आ चुकी है AO की, इसमें आपको पता ही होगा कि वैकेंसी किस तरह से है, SBI PO क्लर्क दोनों आने वाली है और PGDM एग्जाम भी कोई ना कोई आने वाली है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप देना मुझे सजेशन कि क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।